मध्य प्रदेश के रीवा में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में संपन्न हुआ श्रवण बाधित एवं दृष्टि बाधित सांकेतिक भाषा विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के शिक्षकों का 21 फरवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 तक प्रशिक्षण चला, जिसमें जिले के सभी स्कूलों के शिक्षक और शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। आपको बता दें कि 21 फरवरी से चल रहे इस सांकेतिक प्रशिक्षण में आज 25 फरवरी को ये समाप्त हुआ, जिसमें सभी स्कूलों के शिक्षक और शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। स्कूल की शिक्षिका प्रीति मिश्रा ने बताया कि सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण तो हम लोगों ने ग्रहण किया है, अब हम लोग अपने अपने स्कूलों में दृष्टिहीन बच्चों की सांकेतिक भाषा भी सीखेंगे और श्रवण बाधित दृष्टि बाधित उन सभी बच्चों को हम लोग शिक्षा प्रदान करने में हमें सुविधा प्राप्त होगी। आज यहाँ पे आपका प्रशिक्षण का कार्य चल रहा था, कब से आपका आप लोगों के प्रशिक्षण का कार्य चालू हुआ? सबसे पहले आप अपना नाम बताना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रीति मिश्रा है। मैं शासकीय प्राथमिक पाठशाला पपखरा 386 मंडलवा में प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। ये यहाँ पे कब से प्रशिक्षण चालू है आप लोगों का? ये हमारा जो प्रशिक्षण है सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण, ये 21 फरवरी 2023 से चल रहा है। आज हमारा ये लास्ट दिन है। और आपका लास्ट दिन है तो आप लोग अब आगे शिक्षा प्रदान कर सकते हैं बच्चों को? जी, पूरी कोशिश करेंगे। अब ये जो हमने यहाँ सीखा है इन 5 दिनों में, इसको हम अपने बच्चों तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ फास्ट आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े फास्ट आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।